नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फैक्ट न्यूज बॉलीवुड चिंगारी में। मैं हूं सोनिया और आपके लिए लेकर आई हूं बी टाउन की दुनिया से एक लेटेस्ट अपडेट। बी टाउन की बात करें तो बी टाउन की एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस आजकल अपनी फिल्मों और म्यूजिक एल्बम की बजाय अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज को लेकर बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है। ये कॉन्ट्रोवर्सी है उनके साथ कौन मैन सुकेश चंद्र के र्यूमर्स वाले रिलेशनशिप, जिसके चलते कुछ टाइम पहले ही इनकी प्राइवेट पिक्चर्स सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फ्लैश हुई थी, वायरल हुई थी, जिसके बाद एक्ट्रेस ने एक अपने ऑफिशियल हैंडल से नोट भी साझा किया था ताकि उनकी प्राइवेसी को प्राइवेसी रखा जाए और उनकी ऐसी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर ना किया जाए। अब की बात करें तो अब एक बार फिर एक्ट्रेस लाइमलाइट में आ चुकी है, चर्चा में आ चुकी है, सुर्खियों में बनी हुई है और वो वजह है सुकेश चंद्र। जी हाँ, क्योंकि सुकेश चंद्र ने एक्ट्रेस को 10 करोड़ से ज़्यादा के गिफ्ट किए थे और अब ईडी की तरफ से एक्ट्रेस के ऊपर एक बार फिर शिकंजा कसा गया है, जिसमें से 7.25 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त भी किया गया और ईडी का इसके ऊपर क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस का रिश्ता एक बार फिर चर्चाओं का विषय बन गया है। शनिवार को ईडी के ऑफिसर्स ने जैकलिन फर्नांडिस की 7.27 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है। ईडी का कहना है कि ठग सुकेश चंद्र ने जबरन वसूली के पैसों का इस्तेमाल कर एक्ट्रेस को 5.71 करोड़ के तोहफे देने के लिए किया था। इतना ही नहीं, कॉनमैन ने जैकलिन के परिवार को भी महंगे महंगे तोहफे यानी कि 1.32 करोड़ और 15 लाख के फंड्स भी दिए हुए हैं। बता दें कि कॉनमैन सुकेश चंद्र के इस मामले में सबसे ज्यादा नाम बॉलीवुड की हसीना जैकलिन का ही सामने आया है। तभी से एक्ट्रेस विवादों में छाई हुई है। वही सुकेश चंद्र जो हैं वो बेंगलुरु के मूल निवासी हैं। कथित तौर पर लैविश लाइफस्टाइल जीने के मकसद से सुकेश ने महज 17 साल की उम्र से ही लोगों को ठगना शुरू कर दिया था। हाल ही में ठग सुकेश चंद्र पर तिहाड़ जेल के अंदर से ही 200 करोड़ रुपए का रैकेट चलाने का आरोप भी लगा है। इससे पहले भी नौकरी का झांसा देकर लोगों को ठग चुके हैं ये कौन मैन। एक राजनेता के रिश्तेदार के रूप में उन्हें कथित तौर पर 100 से ज्यादा अधिक लोगों को ठगा है और 75 करोड़ रुपए की ठगी भी की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है। पहले 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी सुकेश चंद्र के साथ कथित संबंधों की बात सामने आने पर जैकलिन तब से ही सुर्खियों में बनी हुई है और इसके बाद फिर जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ठग सुकेश के साथ जब जैकलिन की बोल्ड तस्वीरें वायरल हुई थी तो एक्ट्रेस बहुत ज्यादा ट्रोल भी हुई थी, ट्रोलर्स के निशाने पर भी आई थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल के जरिए अपने फैंस को सुकेश चंद्र के मामले में सफाई भी दी, उनकी जो प्राइवेसी है उसकी रिस्पेक्ट करने की अपील भी कही थी। वहीं अब ईडी के एक्शन की वजह से जैकलिन एक बार फिर विवादों में घिर चुकी है। अभी क्या होगा पूरा मामला ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप भी देखते रहे फैक्ट न्यूज बॉलीवुड चिंगारी सोनिया के साथ।